हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा, जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो टॉपिक है ऊर्जा, उसके कुछ 6 मार्कर वाले प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो 6 नंबर में आएंगे, और अगर हम 2020 के अकॉर्डिंग देखें तो 5 नंबर में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ये मेरे अपडेटेड प्रश्न हैं ग्रुप के। फ्रेंड्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो उसकी प्राइस 350 है और हार्ड कॉपी की प्राइस उसकी 700 है। तो आप अगर ये मंगाते हैं सिंगल, तो आप सिंगल भी मंगा सकते हैं, साथ में आप मेरा पैकेज भी ले सकते हैं। जो मेरा पैकेज है वो वर्ण से इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, जिसमें आपको पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक के सभी जो टॉपिक हैं वो 8500 रुपये में मिलेंगे। तो आप इसको ले सकते हैं। 25 फाइलें रहेंगी जो आपके पास एक बॉक्स में पहुंचेंगी। आप भारत में कहीं भी रहते हैं, आपके पास ये पहुंच जाएंगी, तो आप ये ले सकते हैं। और ये इसमें जो सभी सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स कवर किए गए हैं, बस आपको याद करना है। इसमें फ्लो चार्ट, डाइग्राम, मैप सभी का यूज़ किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन है, गैर परंपरागत स्रोत क्यों महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं? गैर परंपरागत स्रोत से मतलब है जो कि परंपरागत नहीं है, पहले यूज़ नहीं होते थे, हम अभी यूज़ कर रहे हैं, और जिनके समाप्त होने का खतरा नहीं होता है, तो वो क्यों महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं? तो हम इनको पॉइंट में लिख लेंगे, क्योंकि जो जीवाश्म ईंधन है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, तो उनका हमें कम प्रयोग करना है, इसी कारण से हम गैर परंपरागत स्रोत का उपयोग करते हैं। तो हम लिख देंगे, अधिक प्रदूषण युक्त जीवाश्म ईंधन का कम प्रयोग, मतलब इनके कम प्रयोग के कारण। दूसरा है, कोयला पेट्रोलियम जैसे ईंधनों के सीमित भंडार, जो कोयला और पेट्रोलियम जैसे परंपरागत स्रोत हैं जिनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है, ऐसे ईंधनों का हमारे पास बहुत सीमित भंडार है, और अगर हम इनका ऐसे ही प्रयोग करते रहे तो आने वाले समय में इनके समाप्त होने की संभावना है, क्योंकि जो अभी हम कोयला पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं वो भी करीब लाखों वर्षों पहले बना हुआ है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। और ये जो गैर परंपरागत स्रोत रहते हैं, इनसे ना तो रेडियोधर्मी विकिरण निकलती है, रेडियोधर्मी विकिरण मतलब जैसे कि अल्ट्रावायलेट किरण है, यूरेनियम वगैरह हैं, तो इससे नहीं निकलती हैं, तो ये विमुक्त होता है, मुक्त होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण से, इनसे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है, तापीय प्रदूषण मुक्त होता है, इनसे किसी भी प्रकार का तापीय प्रदूषण नहीं फैलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में वन संरक्षण को बढ़ावा देता है। अब हमें ईंधन के लिए गैर परंपरागत स्रोत, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वन रोपण करेंगे, पौधे लगाएंगे, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में वन संरक्षण को बढ़ावा देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं के द्वारा होती है, इसलिए गैर परंपरागत स्रोतों को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और इनका उपयोग बढ़ रहा है। बायोमास, सौर ऊर्जा जैसे गैर परंपरागत स्रोतों को अपनाकर इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है, जो भविष्य में खतरा पैदा करेंगे ऊर्जा के संसाधनों के लिए। वास्तव में ऊर्जा की मांग एवं पूर्ति में अंतराल का ना होना किसी भी आर्थिक अधिक विकास की अनिवार्य शर्त है, मतलब जैसे ऊर्जा की मांग हो रही है वैसे की वैसे पूर्ति की जाए, उसमें कोई अंतर ना हो तभी विकास कर सकते हैं। यदि अनुसंधान, विकास तथा जागरूकता निर्माण पर उचित ध्यान दिया जाए तो गैर परंपरागत स्रोत आर्थिक विकास की उपयुक्त शर्त को पूरा कर सकते हैं, यही कारण है कि ये महत्वपूर्ण हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने ये, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर बनते हैं जो कि करंट से जुड़े हुए होते हैं और जो हमारे डेली बेसिस के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो गैर परंपरागत स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है, ये 6 नंबर में आएगा, तो हमें इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय क्या है? क्या है नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय क्या है? तो सबसे पहले ये भारत सरकार का एक नोडल मंत्रालय है। नवीन ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय क्या है? भारत सरकार का एक नोडल मंत्रालय है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश की ऊर्जा आवश्यकता पूर्ति के लिए नवीन और अक्षय ऊर्जा का विकास करता है। अक्षय मतलब ऐसी ऊर्जा जो क्षय ना हो, जो नष्ट ना हो, तो देश की ऊर्जा आवश्यकता पूर्ति के लिए नवीन और अक्षय ऊर्जा का ये विकास करता है। इसमें से ये मिशन क्या है, मतलब इसका मिशन क्या काम करता है ये, तो ऊर्जा की सुरक्षा करता है ये, वैकल्पिक ईंधनों का विकास करता है,
तेल आयातों की निर्भरता में ये कमी लाता है। हमारे यहाँ तेल का कोई भंडार नहीं है इतना, तो हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है तेल के लिए। तो ये जो मिशन क्या करता है, तेल आयातों की निर्भरता में कमी लाता है। वैकल्पिक ईंधनों का विकास करता है। तेल आयातों की निर्भरता में कमी से मतलब है कि हम दूसरे देशों पर तेल आयात के लिए निर्भर होते हैं, कच्चे आयात के लिए निर्भर होते हैं। ये क्या करता है, तेल आयातों की निर्भरता में कमी लाता है। ऊर्जा आवश्यकताओं की जो पूर्ति करता है, ऊर्जा वहनीयता, ऊर्जा की हमें जितनी आवश्यकता होती है उसको वहन करता है। 2000 इसमें लक्ष्य रखा गया है, 2050 तक वैश्विक स्तर के समकक्ष औसत प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत, 2050 तक वैश्विक स्तर के मतलब औसत कितना व्यक्ति ऊर्जा खपत हो प्रति व्यक्ति, 2050 तक वैश्विक स्तर के समकक्ष हो, मतलब विश्व में जितना ऊर्जा खपत होता प्रति व्यक्ति उतना ही भारत में हो। तो ये नवीन और रक्षा ऊर्जा मंत्रालय के बारे में हमने क्या है ये लिख दिया, उद्देश्य क्या है और इसके मिशन क्या है नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका ऊर्जा दक्षता ब्यूरो पे आप क्या समझते हैं, इसको VEE भी बोला जाता है। तो क्या होता है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1 मार्च 2002 को। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, 1 मार्च 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था ऐसी नीति तथा रणनीतियों का विकास करना जो भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा गहनता को कम कर सके। क्या उद्देश्य था, ऐसी नीति और रणनीतियों का विकास करना जो भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की गहनता को कम कर सके। अब हम इसके कार्य पढ़ते हैं, कार्य क्या है, कार्य है अनुसंधान विकास का संवर्धन, विनियामक और संवर्धनात्मक कार्यों को करता है, जैसे कि जो उनको बढ़ा सकें, उनको नियमित कर सकें ऊर्जा संसाधनों को, ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों की खोज करता है, किस तरह उसका विकास कर सकते हैं, किस तरह हम उनको बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बताता है। ऊर्जा प्रबंधक की तरह काम करता है, मतलब ऊर्जा को हम प्रबंध कैसे करें उसके बारे में काम करता है। ऊर्जा संपरीक्षकों का प्रमाणन करता है, ऊर्जा दक्षता पर जागरूकता पैदा करता है कि लोगों को जागरूक करें कि हम कैसे ऊर्जा को बचा सकते हैं, कैसे संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का प्रसार करता है कि ऊर्जा संरक्षण कितना ज़्यादा आवश्यक है। तो इस प्रकार से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो क्या होगा, कब उसकी स्थापना, फ्रेंड्स मेरे न्यूज़ में सभी नोड मंत्रालय जो हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो हमारे सिलेबस में हैं, इसी प्रकार से कवर किए गए हैं। आपको कहीं भी और इसके अलावा नोट्स के अलावा भी जो मेरे 21 पेड ग्रुप है वहाँ मैं बहुत अच्छा जो कलेक्शन है देती रहती हूँ आप लोगों को, ताकि आपके लिए कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। मेरा मकसद है बस ये है कि नोट्स देना बस नहीं है, नोट्स देने के बाद भी आपको ग्रुप में जोड़कर आपकी तैयारी को बेहतर बनाना है, जिसमें मैं टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर रही हूँ। टेस्ट सीरीज़ का कोई चार्ज नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, जो लोगों ने नोट्स लिया है वो फ्री रहेंगे उनके लिए टेस्ट सीरीज़, तो वो टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन करेंगे, आपको उसके आंसर्स भी मिलेंगे, तो आप वहाँ से अपना आंसर भी फ्रेम कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संकट को समझा, ऊर्जा संकट क्या होता है, उसके कारण क्या हैं। तो ऊर्जा संकट क्या है, उचित मूल्य पर आवश्यकता के अनुसार जितनी हमको आवश्यकता है और उचित मूल्य जितना हम चाहते हैं कि इस मूल्य पर मिलो उस अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति ना होने के कारण सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होना। उचित मूल्य पर आवश्यकता के अनुरूप ऊर्जा की आपूर्ति ना होने के कारण सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होना क्या कहलाता है, ऊर्जा संकट कहलाता है। इसके कारण क्या हैं, लगातार बढ़ती जनसंख्या से जो हमें जितनी ऊर्जा मिलना चाहिए नहीं हो पाती, क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खपत हो जाता है। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, तकनीकी क्रांति के कारण ऊर्जा की मांग बहुत बढ़ रही है। उच्च मांग इसलिए हो रही है क्योंकि ख़राब गुणवत्ता है तो ज़्यादा यूज़ होता है, कोई भी चीज़ अच्छी होगी तो कम यूज़ होगी। हम पुरानी तकनीक पर आधारित हैं, उपकरणों का प्रयोग करते हैं जिससे ऊर्जा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है। उत्पादन क्षमता का अल्प प्रयोग होता है। पोषण एवं वितरण में बड़े पैमाने पर जब हम इसको इधर से उधर ले जाते हैं, वितरण करते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है। दूसरे देशों में देखें तो कम से कम वो 2 से 3% है और हमारे देश में देखें तो वो करीब 50-20% से ज़्यादा है। पेट्रोलियम के लिए हम खाड़ी देश पर निर्भर हैं।
यूरेनियम के भंडार भी हमारे यहाँ सीमित हैं और लागत प्रभावी तकनीक की भी कमी है, ये कारण है जिसके कारण ऊर्जा संकट कमी आ रही है। ऊर्जा संकट दूर करने के उपाय भी हैं, ये अलग से भी आ सकता है और 15 मार्कर में आ गया तो आपको एक साथ लिख देना है। ऊर्जा सुरक्षा भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे 1.3 अरब जनसंख्या है और जहाँ 1.3 अरब जनसंख्या है और महाशक्तियों के समूह में शामिल होने की अभिलाषी है भारत। उपाय क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा गैर परंपरागत स्रोतों को प्राथमिकता दें। वर्तमान में 9000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है, परंपरागत ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज करना, थोरियम आधारित ऊर्जा के उत्पादन के लिए फास्ट फीडर रिएक्टर की इस दिशा में प्रयास, ऊर्जा की उत्पादन क्षमता वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, सामाजिक वानिकी कृषि वानिकी जैसे कार्यक्रम चलाना, ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम को बढ़ा। सामाजिक वानिकी कृषि वानिकी में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वनों का रोपण किया जाएगा जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी, जैसे कि बायोमास ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों का ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे और प्रदूषण मुक्त रह पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोरोना पे लेके आती हूँ, कोरोना का हमारे पर्यावरण पर किस हद तक प्रभाव रहा है। सो फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स थे, नोट्स में से ही आपको मैं पढ़ाती हूँ, यही मेरा, मैं कोई प्रिंटर नहीं कराती हूँ, जिनसे आप वीडियो में पढ़ते हैं यही मेरे नोट्स हैं, उनसे ही एक दो पेज निकाल के मैं आपको पढ़ाती हूँ। फ्रेमिंग किया हुआ है विथ मैपिंग विथ डायग्राम है, बस आपको पढ़ाई करना है। दूसरे नोट्स अगर आप लेते हैं तो आपको खुद ही से मेहनत करनी पड़ती, नोट्स बनाने पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस आपको याद करना है, मैपिंग बनी हुई है, बस आपको याद करना और वैसा का वैसा एग्ज़ाम में जाके लिख देना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।